नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्वीट जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। ये एक ट्रेडिशनल स्वीट है, लेकिन इसको इनोवेटिव तरीके में यानी इनोवेटिव डिजाइन में हम बनाएंगे। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 1.5 कप सूजी, 1 कप चीनी, 1 कप गुनगुना दूध, 3 टेबलस्पून ऑयल या आप घी भी ले सकते हो, और ऑयल फ्राइंग के लिए। पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यानी इस सूजी को ये घी डाल देंगे इस सूजी में और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये ऐसे किया तो एक ऐसा गोला बनना चाहिए, ऐसे ऐसे किया तो गोले जैसा बनना चाहिए, यानी हमने करेक्ट मात्रा में थोड़ा थोड़ा करते हुए हम दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, सारा दूध एक साथ नहीं डालना है, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज्यादा टफ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा दूध करके डालना है। अब होली का त्योहार भी सर पे है, तो सोच रही थी कि क्या नया बनाया जा सके। देखिए दोस्तों, आपको ऐसा गूंदना है और अब इस सूजी के डो को 20 मिनट तक ढक्कन ढक के आपको एक 20 मिनट तक रेस्ट करना है। जब तक 20 मिनट तक हमने रवे को रेस्ट करने के लिए रखा है यानी सूजी को, तब तक हम अपनी चटनी बनाएंगे। मैंने इसमें 1 कप शुगर डाला है और उसमें 1/2 कप पानी डालूंगी। हमें चाशनी 1 से 2 तार की बनानी है। चाशनी में उबाल आने के बाद जब ये सारी चीनी पिघल जाए तब 5 मिनट तक इसको चलाते रहना चाहिए। उस दौरान 1 से 2 तार की चाशनी तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जब लास्ट ड्रॉप एकदम रुक के गिरे तब समझ में आना चाहिए कि 1 तार की चाशनी बन रही है। उसका और एक दूसरा तरीका भी है, वो ऐसे इस चाशनी को इस बोल में डाल के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको ऐसे हमारे दोनों उंगलियों से ऐसे 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 करके देखेंगे। देखिए, 1 तार की चाशनी हो गई है। अब और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसे हम चलाएंगे। हमारी चाशनी बन गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, चाशनी को साइड में रख देंगे। और तेल को गरम करने के लिए रख देंगे। हमारी सूजी फूल के तैयार हो गई है। 20 मिनट हो गए हैं। एक बार हम घूटेंगे सूजी को। अगर आपको लगे कि आटा यानी ये जो डो है वो बहुत ही स्टिफ हो गया है, तो आप और थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हो। मुझे अभी पूरी प्रोसेस में सिर्फ 1/2 कप दूध लगा। अब अपने हाथों को तेल लगाइए, थोड़ा डो को तेल लगाइए, इसके 2 या 3 आपको जितनी मर्जी आपको जो करने हैं साइज जो करने हैं उस हिसाब से आप डो के 2 हिस्से करके बचा हुआ डो अंदर रख के फिर से ढक ले, नहीं तो वो फिर से सूख जाएगा। अब आपको चपाती की तरह बेलना है। जो आप रोटी बेलोगे
वो ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। आपके पास ऐसे कुछ कटोरी कुछ हो तो आपको ऐसे उसके गोल करने हैं। तो बाद में फिर से आपको यूज करना है, वो वेस्ट नहीं होगा। अब एक स्ट्रॉ की सहायता से आपको ये हंसमुख चेहरे बनाने हैं। बच्चों को देते ही बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। और बाद में एक स्पून लेके आपको ये ऐसे करना है। अभी एक छोटा सा टुकड़ा लेके हमारा तेल गरम हो गया है। हमें बहुत ही लो फ्लेम पे इसको तलना है दोस्तों। ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमें लो फ्लेम पे तलना है। ये ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तलने हैं। और यहाँ पे मैंने चाशनी फिर से गर्म कर लिए है। और चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो इसलिए आपको 1/4 टीस्पून लेमन का जूस डालना है। देखिए दोस्तों, हमारे हसमुख लाल स्माइलीज तैयार है। मैंने इनको चाशनी में डाला और एक 5 मिनट के लिए चाशनी में रखने दिया, रहने दिया इसको, और बाद में इसको बाहर निकाला। ये टेस्ट में बहुत ही यम्मी होते हैं दोस्तों।